Chopra, Ashutosh Rana and Rajneesh Duggal sab milkar tax ke khilaf awaaz uthane wale hain, but in a film jiska naam hai Udan Chu. Aur is film ki script Prem Chopra ke paas aayi to suniye unka reaction. Government apni aajkal black money ke upar itna prachar kar rahi hai, uske upar ye hai. Aur is picture ke release ke baad to mujhe lagta hai shayad Ravindra ji ko kahenge ki bhai tax maaf ke liye kare, uska tax picture ka maaf ho jayega, lekin main andar jaunga. प्रेम चोपड़ा जहां जेल जाने को तैयार है, तो वहीं आशुतोष राणा डिडंट बिलीव कि मोस्टली विलन अवतार में नजर आने वाले आशुतोष को कोई ऐसा रोल भी ऑफर कर सकता है। चैलेंज था कि आशुतोष को अपने आप को बिल्कुल मिटाना है, एक तो आशुतोष को मिटाना है, दूसरा आशुतोष की उस इमेज को मिटाना है। तो उसमें अगर प्रेम जी का, रजनीश का, ब्रूना का, अगर विपिन हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वो एक कंफर्टेबल जो माहौल बना था, और फिर रविंदर जी आके क्या होता है कि साइलेंट स्पेक्टेटर्स भी जो होते हैं, वो उनका साइलेंस भी आपको यस और नो या करेक्ट या रॉन्ग की कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता रहता है। तो ये पूरा का पूरा फेल था कि 100% ये विश्वास करते थे हम सब एक दूसरे के ऊपर, तो 100% विश्वास का नतीजा है। और कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रजनीश दुग्गल का भी था। जब उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, वो सोच नहीं सकते थे कि आशुतोष को कोई ऐसा रोल भी ऑफर कर सकता है। तब मैंने उनसे वैसे ही पूछा, तो उन्होंने नाम बताया कि आशुतोष सर, ये मतलब वो हैं, प्रेम जी हैं। तो मुझे लगा हाँ, तो आशुतोष जी इंस्पेक्टर प्ले कर रहे हैं। जब हमने एक पहला सीन किया आज, उसके बाद इट वॉज क्रेजी, बिकॉज वी हैड अ क्रेजी, हम दोनों को ये करते हुए बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत आया। चलिए, ये तीनों तो तैयार हैं उड़न छू होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। अब इनकी आवाज पब्लिक पर कितना इफेक्ट करती है, ये तो वक्त ही बताएगा।